इस वीडियो में हम लोग सोलर पंपिंग को समझेंगे किस तरह से सोलर पंपिंग सिस्टम ऑपरेट होता है सोलर पंपिंग सिस्टम में सोलर एनर्जी के हेल्प से पंप को ऑपरेट करते हैं इसलिए इस सिस्टम को सोलर पंपिंग बोला जाता है सोलर पंपिंग का मोस्ट कॉमनली यूज इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता है सोलर पंपिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स को समझते हैं सोलर सेल सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी बोला जाता है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बैटरी सोलर सेल जब सोलर एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उस डीसी करंट से बैटरी को चार्ज करते हैं एंड उस बैटरी के हेल्प से डीसी मोटर पंप को ऑपरेट करते हैं एंड इन केस ऑफ एसी मोटर पंप हम लोग बैटरी के साथ इन्वर्टर का यूज करते हैं जो कि डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा एंड उससे एसी मोटर पंप ऑपरेट होगा इस सिस्टम में जनरली डीसी मोटर पंप का यूज किया जाता है इस ऑपरेशन के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के पंप्स का यूज कर सकते हैं लाइक सबमर्सिबल सोलर पंप। इस टाइप के पंप के हेल्प से अबाउट सिक्स फिफ्टी फीट तक वाटर को सक कर सकते हैं नेक्स्ट है सरफेस सोलर पंप। सरफेस सोलर पंप का यूज पोन्ट्स सेलोवेल स्टोरेज टैंक अदरवाइज स्ट्रीम्स में किया जाता है सरफेस वाटर सोलर पंप का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वाटर का डिस्टेंस सरफेस से 20 फीट और 20 फीट से कम होना चाहिए डीसी सोलर पंप डीसी सोलर पंप में डीसी मोटर का यूज किया जाता है जो कि डीसी करंट से ऑपरेट होती है इसलिए इस टाइप के सोलर पंप को ऑपरेट करने के लिए बैटरी एंड इन्वर्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ए सी सोलर पम्प्स इस टाइप के सोलर पम्प में ए सी मोटर का यूज किया जाता है इसलिए इसको ऑपरेट करने के लिए इन्वर्टर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि सोलर सेल से जेनरेट होने वाली डी सी करेंट को ए सी करेंट में कन्वर्ट करता है इस सिस्टम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर स्टोरेज टैंक इलेक्ट्रिक पंप्स के हेल्प से वेल और डीप बोर से वाटर को स्टोरेज टैंक में फिल्ड करते हैं वाटर को स्टोर करके इसलिए रखते हैं ताकि इसका यूटिलाइजेशन सोलर पंपिंग सिस्टम क्लोज होने पर हो सके रात के समय सोलर सेल ऑपरेट नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ सोलर रेडिएशन तो उस टाइम स्टोर्ड वाटर यूटिलाइज होता है जब रिक्वायर्ड इंटेंसिटी का सोलर रेडिएशन सोलर पैनल पर इंसिडेंट करती है तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोलर सेल के सेमी कंडक्टर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है एंड मेटालिक स्ट्रिप के थ्रू सर्कुलेट करती है सो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर डीसी करेंट जनरेट होती है एंड इस जनरेटेड डी सी करेंट से डी सी सोलर पम्प को ऑपरेट करते हैं बट इन केस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सोलर पम्प लाइक ए सी सोलर पम्प एसी डीसी डी करेंट से बैटरी को चार्ज करते हैं एंड इन्वर्टर के हेल्प से बैटरी के आउटपुट डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं एंड स्टार्टर के हेल्प से पंप को सप्लाई मिलती है स्टार्टर का मेन फंक्शन होता है मोटर वाइंडिंग को हाई स्टार्टिंग करंट से प्रोटेक्ट करना सो so स्टार्टर के हेल्प से एसी सोलर पंप को सप्लाई मिलती है एंड वो ऑपरेट होती है इस ऐसी सोलर पंप के हेल्प से वेल और डीप पोर से वाटर को पाइप के थ्रू सक करते हैं एंड उसको स्टोरेज टैंक में फिल्ड करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन वाटर का डायरेक्ट यूज होता है फॉर डिफरेंट पर्पस एंड ड्यूरिंग एबसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, जब सिस्टम ऑपरेट नहीं होता है तो टैंक में स्टोर्ड वाटर का यूज करते हैं सोलर वाटर पंपिंग को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करना होता है आपने सिस्टम में कितने वाट का सोलर पंप यूज करा है उसके अकॉर्डिंग ही सोलर सेल और सोलर पैनल को सेलेक्ट किया जाता है जिसके हेल्प से वाटर पंप को सप्लाई मिलती है एवरी सोलर पैनल मेकर सोलर पैनल के साथ एक स्पेसिफिकेशन टेबल चार्ट प्रोवाइड करता है तो उस टेबल को देख सोलर वाटर पंप के अकॉर्डिंग सोलर पैनल को सेलेक्ट करेंगे अगर इसके एडवांटेजेस का बात करें तो देर आर मैनी एडवाटेजेस ऑफ सोलर पम्पिंग सिस्टम सोलर पम्पिंग सिस्टम फ्लैक्सीबल होता है एंड इट इज़ अपलिकेबल टू डिफरेंट अप्लीकेशन इस सिस्टम का ज़्यादातर यूज़ समर सीजन में किया जाता है क्योंकि समर सीज़न में सोलर रेडिएसन का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो जो सिस्टम है वो प्रोपरली वर्क करता है इसका ज़्यादातर यूज रूरल एरिया में किया जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे इजीली हम लोग सोलर पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके वाटर को सक कर सकते हैं और उसका यूज डिफरेंट एप्लीकेशन में कर सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है एंड इसमें जो यूज होने वाला वाटर पंप रहता है वो रोबस्ट होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लेस मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो इसमें किसी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता है इसमें यूज होने वाला जो वाटर पंप है वो थोड़ा कॉस्टली आता है तो वी कैन से इट इज़ डिसएडवांटेज। सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो वेदर के कंडीशन पे डिपेंड रहता है रेनी सीजन में क्लाउड्स के कारण जो सोलर का रेडिएशन है वो प्रॉपर अमाउंट में सोलर पैनल पे इंसिडेंट नहीं करती है तो उस टाइम जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वाटर टैंक का एंड एज वेल एज बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है सोलर पंपिंग का यूज एज अ ड्रिंकिंग वाटर किया जाता है इसका यूज़ फार्म एनिमल वाटरिंग के लिए किया जाता है सोलर पंपिंग सिस्टम का यूज इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता है इस सिस्टम का यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसिंग अप्लीकेशन के लिए किया जाता है सोलर सेल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है इसमें पी टाइप एंड एन टाइप दो टाइप के मटेरियल को ऐड करते हैं इसका अपर लेयर जो कि एन टाइप मटेरियल का बना हुआ रहता है वो थिन होता है एंड हैवली डोप्ड होता है डोपिंग का मतलब है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिसपे मटेरियल का कंडक्टिविटी डिपेंड रहता है एंड इसका लोअर लेयर जो कि पी टाइप मटेरियल का बना हुआ रहता है वो थिक होता है एंड लाइटली डोप्ट होता है एन टाइप मटेरियल में एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड पी टाइप मटेरियल में एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होल्स रहता है जब दोनों को एक साथ इंक्लूड करते हैं तो एक जंक्शन क्रिएट होता है दैट इज़ डिप्लिसन लेयर एंड जब सोलर रेडिएशन इस डिप्लीसन रीजन पे इंसिडेंट करती है तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस होती है जो कि डीसी नेचर की होती है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें